हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पनीर के बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। वैसे तो आप पनीर के बहुत सारे रेसिपी खाए होंगे या बनाए होंगे, लेकिन मैं शर्त लगाती हूँ कि आप ऐसा पनीर की सब्जी कभी नहीं बनाए होंगे। अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हुए पनीर की सब्जी बनाएंगे तो मैं चैलेंज लगाती हूँ कि आप हमेशा हर बार पनीर की सब्जी इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो आइए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो पनीर की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर हम 400 ग्राम पनीर लिए हैं। ये पनीर हम घर में ही बनाए हैं और ये आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और स्पंजी है ये पनीर। और अगर आप घर में बनाना चाहते हैं इस तरह का पनीर, तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो ये लीजिए, पनीर को हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। और यहाँ गैस पर हम एक पैन लिए हैं और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, और ऑयल को हम अच्छे से पैन में फैला लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे पनीर जो अभी हम मिक्स किए थे, और गैस के फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम पनीर को दोनों साइड पलटाते हुए फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए, पनीर हमारा फ्राई हो गया है। और यहाँ गैस पर हम ले लिए हैं एक कढ़ाई, और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी, और इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। और यहाँ पर हम गैस के फ्लेम मीडियम कर दिए हैं, और तेल को हल्का गर्म होते ही इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा यानी कि क्यूमन सीड। और यहाँ पर हम लिए हैं थोड़ी सी दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग और 1 बड़ी इलायची, और 1 तेजपत्ता और 2 लाल मिर्च। इलायची को हल्का क्रश कर लिए हैं, इन सबको हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे थोड़ा पकने देंगे और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे 2 बारीक कटे हुए प्याज, 2 से 3 हरा मिर्च, इसे हम रफली कट कर लिए हैं, और इन सबको हम हल्का चलाते हुए पका लेंगे सॉफ्ट होने तक। और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, इसे भी हम थोड़ा पका लेंगे। तो ये देखिए, प्याज का कलर जो है हल्का चेंज हो गया है, प्याज सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाला। तो मसाला में हम यहाँ लिए हैं 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, और इसमें अब हम ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, और 1/4 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला। और यहाँ पर हम गैस के फ्लेम लो रखे हैं, और लो फ्लेम पर ही हम चलाते हुए मसाला को हल्का भून लेंगे। तो मसाला आप इसी स्टेज पर डालें, वो भी सूखा डालें। इससे क्या होगा कि आपका सब्जी के कलर बहुत ही अच्छा आएगा और इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो मसाला हमारा हल्का भून गया है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर का प्यूरी। तो इसे अभी हम बनाए थे, 2 टमाटर को जार में डालकर पीस लिए थे, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ही डालें। और इस समय हम गैस के फ्लेम मीडियम रखे हैं, और मीडियम फ्लेम पर इसे चलाते हुए हम पकाएंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप मलाई। तो यहाँ पर हम फ्रेश मलाई लिए हैं, जो दूध के ऊपर मलाई आती है ना, वो वाली मलाई है। अगर आपके पास फ्रेश मलाई नहीं है तो आप अमूल के जो फ्रेश मलाई आती है तो वो भी आप ले सकते हैं। और इसे हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे ताकि मलाई और मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ढक्कन लगाकर इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो 2 मिनट हो गया है, तो ढक्कन हटाकर हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, मसाला जो है इसका बहुत ही अच्छे से पक गया है और ये तेल छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं मसाला और तेल इसका अलग अलग हो गया है। तो इसी स्टेज पर अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो इसमें हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि मसाला पक गया है और ग्रेवी गाढ़ा ही रखना है, तो इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। तो इसमें हम 1 कप के करीब पानी डाले हैं, और पानी डालने के बाद इसे हम एक बार अच्छे से चला लेंगे। और यहाँ पर हम गैस के फ्लेम मीडियम ही रखे हैं, मीडियम फ्लेम पर इसमें हम 1 उबाल आने देंगे।
जब ग्रेवी में उबाल आ जाएगा तो हम इसमें पनीर डाल देंगे जो फ्राई करके रखे थे। पनीर डालने के बाद इसे हम एक बार अच्छे से चला लेंगे और इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। तो इसे इस तरह से हाथ पर रख के हल्का क्रश करके डालेंगे, इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे आप ज़रूर डालिएगा और इसे डालने के बाद एक बार अच्छे से इसे चला लेंगे। और यहाँ पर हम गैस की फ्लेम मीडियम रखे हैं, मीडियम फ्लेम पर हम ढक्कन लगाकर इसे 2 मिनट पका लेंगे। तो 2 मिनट हो गया है तो इसे हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ गया है और एक गाढ़ा भी हो गया है, आप देख सकते हैं। तो इसे हम इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ये अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी धनिया पत्ता। तो धनिया पत्ता डालने के बाद इसे हम एक बार और चला लेंगे। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम नीचे उतार लेंगे और इसे अब हम सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये है ना लाजवाब रेसिपी, और देखने में जितना ब्यूटीफुल है उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी ये खाने में है। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनके तैयार हो जाता है, वो भी रेस्टोरेंट से भी अच्छा। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को, इस वीडियो को फॉलो करते हुए एक बार ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।